जय श्री राम दोस्तों, छंद के पार्ट थ्री में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे छंद। छंद मतलब आह्लादित करना, वर्ण और मात्रा के विन्यास से जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसे छंद कहते हैं। छंद के सात अंग होते हैं, पढ़ चुके थे। अंग से क्या मतलब है, जिस तरीके से हाथ, नाक, गला, ये सब हमारे शरीर के हिस्से हैं, अंग है, उसी तरीके से छंद के सात अंग है। सात चीजों से मिलकर छंद बनाई हम पढ़ चुके हैं। पहला था चरण पद पाद, दूसरा वर्ण मात्रा, तीसरा संख्या और क्रम, चौथा गण, पांचवा अति, छठवां अति, विराम, सातवां लघु। तो हम वर्ण और मात्रा तक समझ लिए थे, आज हमें पढ़ना है संख्या और क्रम क्या होता है। समझिए, वर्ण और मात्राओं की गणना करना ही संख्या कहलाता है। तीसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं, छंद का तीसरा अंग है संख्या और क्रम। तो संख्या और क्रम में सबसे पहले संख्या समझना है, वर्ण और मात्राओं की गणना करना ही संख्या कहलाता है। ठीक, कैसे? जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा होगा तो इस तरह से होगा उसमें। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि संख्या क्या है, तो आपको पता है वन, और इस वर्तुल का मतलब होता है टू टू, कितना हो गया छह, एक सात मात्रा हो गई। ये संख्या क्या है कि वर्ण मात्रा की गणना करने में संख्या कहता है। अब क्रम से क्या मतलब है, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। लघु होता है ये, गुरु होता है ये। तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम गौरव है, तो मैं ये पूछूं कि गौरव के नाम का क्रम क्या है, तो देखिए आप बता सकते हैं गौ से क्या हो जाएगा, ये गुरु, ये फिर रा से लघु, और फिर वा से लघु। तो गौरव अक्षर, गौरव शब्द का जो क्रम होगा क्या है, गुरु लघु लघु। तो क्रम से क्या मतलब होता है कि लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है कि छंद तो दो तरह के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद जिसमें हम वर्ण की गिनती करते हैं, और मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गिनती करते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि वार्णिक छंद में सभी चरण में वर्णों की संख्या समान होती है। वार्णिक छंद में तो वर्ण की गिनती करेगा, तो वार्णिक छंद में वर्णों की संख्या समान होती है सभी चरण में, तथा सभी चरण में क्रम भी समान होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दोहा ले लूं, जैसे जैसे एक पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, और ये चौथा चरण। आपको मैं कल बताया था पिछले वीडियो में कि क्या होता है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो मान लीजिए पहले चरण में 12 वर्ण है, और दूसरे चरण में भी 12 ही वर्ण है, तीसरे चरण में 12 ही वर्ण है, और चौथे चरण में भी 12 ही वर्ण है। तो यही चीज तो लिखा है कि अगर सभी चरण में वर्ण की संख्या समान है तो उसे बोलते हैं वार्णिक छंद। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि वार्णिक छंद में लघु गुरु का स्थान भी क्या होता, समान होता है। सभी चरण में क्रम भी समान होता। क्रम से मतलब क्या होता है, लघु गुरु का स्थान निर्धारण। जैसे मान लीजिए पहले चरण में पहले आ गया लघु, फिर गुरु, तो दूसरे चरण में भी यही होगा, यही क्रम होगा, पहले लघु फिर गुरु, तीसरे चरण में यही क्रम, पहले लघु फिर गुरु, चौथे चरण में पहले लघु फिर गुरु। तो देखिए चारों चरण में 12 वर्ण है, और चारों चरण में जो क्रम है लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, तो चारों चरण में वर्ण भी सेम है और चारों चरण में क्रम भी सेम है। क्रम से मतलब होता है लघु गुरु का स्थान निर्धारण। तो वाणी छंद में आपको ध्यान देना कि वर्ण की संख्या भी समान होती है तथा सभी चरण क्रम भी समान होते हैं। अब बात करते हैं मात्रिक छंद, मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद में सभी चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। मात्रिक छंद के सभी चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। उदाहरण आपको देकर समझाता हूं। देखिए ये हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही आपको पता होता है, ये मैं गिन के बता रहा हूं आपको। ये चौपाई लिखी, क्या लिखी है, चौपाई क्योंकि चार लाइन है और चौपाई में 16 मात्राएं होती है। चौपाई मात्रिक छंद है ना कि वार्णिक छंद, ये चीज याद रखना है आपको कि चौपाई मतलब हनुमान चालीसा जो लिखा है, चौपाई दोहा सोठा, ये सब मात्रिक छंद है क्योंकि हम मात्राओं की गिनती करते हैं ना कि वर्ण की गिनती करते हैं। तो मात्रिक छंद में सभी चरण में मात्रा की संख्या समान होती है। अब इस चौपाई में कितनी लाइन बताओ, चार लाइन, कितनी लाइन है, चार लाइन है, मतलब चार चरण, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, और ये चौथा चरण, चार चरण है। लिखा है कि सभी चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, जैसे
जय लिखा है, तो ये वर्ण हा का वर्ण, नू का वर्ण, बड़ा मा का दो, ना का वर्ण, बड़ा व्या का दो, ना का वर्ण, नू का वन, ना का वन, सा का दो, गा का वन और आ का वन। गिरो कितना हुआ? चार, पांच, दो सात, आठ, दो दस, दो बारह, गलत कर गया, दो चार पांच, दो सात आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, कहीं बात गलती कर गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, या ये वाला छोड़ दिए थे आप, दो चार छ सात, दो नौ दस, दो बारह, दो चौदह, दो सोलह, ये जय छोड़ दिए थे मात्रा बदल। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? सोलह मात्राएं। अब पहले चरण में सोलह मात्राएं हैं तो आपने क्या लिखा है कि मातृ क्षण में सभी चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, मतलब सोलह इसमें भी होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए। फिर भी बता दे रहा हूं, जय का वन, कपीस का वन, पी का दो, सा का वन, डी का वन, भू का वन, लो का दो, का वन, ऊ का वन, बड़ा जय का दो, गा का वन, रा का वन। देखिए दो तीन, दो पांच, छह सात आठ, दो दस, ग्यारह बारह, दो चौदह, दो सोलह मात्रा। अब राम भूत अद्वित वर्ण, तो बड़े रा का दो, दू का दो, ता का वन, आ का वन, तू का वन और ली का वन, क्योंकि छोटी ली, ता का वन, बा का वन, ला का वन, बड़ा धा का दो, बड़ा मा का दो, ये सब चीज में आपको बता दें इसका मतलब, तो किसका मतलब वन होता है, पिछले वीडियो में बता दिया हूं। तो दो एक तीन, दो पांच एक छह, सात आठ, नौ दस, दो बारह, दो चौदह, दो सोलह मात्रा। फिर अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो देखो बड़ी नी में दो, अब ये देखो संयुक्त व्यंजन आधा ना और जा, तो संयुक्त व्यंजन को वन काउंट करते हैं, पिछले वीडियो आपको बताया हूं, लेकिन संयुक्त व्यंजन से पहले चाहे हस्व हो या दीर्घ हो उसको दो काउंट करते, पिछले वीडियो में मैं नियम बता दिया हूं आपको। ऊ का वन, त्रा का वन, पा का वन, वा का वन, ना का वन, सू का वन, ता का वन, बड़ा मा का दो, बड़ा मा का दो, तो देखो पांच, दो सात, तीन दस, दो बारह, दो चौदह, दो सोलह। क्या लिखा है? मातृ छंद में सभी चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, चार चरण है, चारों चरण में सोलह सोलह मात्राएं हैं, तो मातृ छंद है ये क्योंकि चौपाई है, मातृ छंद में सभी चरण में मात्राओं की संख्या समान है परंतु क्रम समान नहीं होता। कैसे, क्या मतलब है? जैसे मालूम है गारा, तो गारा से मतलब है कि ये लघु और ये गुरु, गारा है तो ये देखो सॉरी यहां पास एक सभी चरण मात्राओं की संख्या तो समान है परंतु लास्ट में जो हम लघु गुरु का स्थान निर्धारण होता है जिसको क्रम बोलते हैं सेम नहीं होता। अब क्रम निर्धारण नहीं होता है तो जिस चीज में क्रम निर्धारण नहीं है तो उसको पढ़ने में अधिक अधिक गति मिलती है, यही कारण है कि मातृ छंद में गति का ज्यादा महत्व है। मातृ छंद में अभी आगे आप गति पढ़ेंगे तो गति का महत्व मातृ छंद में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां गरु गुरु और लघु का कोई लफड़ा ही नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन वाणी छंद में फाउंडेशन होती है कि यहाँ लघु गुरु का स्थान भी फिक्स होता है, इसलिए इसमें उतनी गति का महत्व नहीं है जितना मातृ छंद में। तो आपको ध्यान देना है कि मातृ छंद में गति का महत्व ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाणी छंद। देखिए छंद का तीसरा अंक था संख्या और क्रम, और उसके बाद आता है गण, चौथा पार्ट है छंद का गण। गण का मतलब होता है समूह, ठीक, केवल वाणी छंदों में ही गण का उपयोग किया जाता है, वो भी कब? जब हमें वर्ण गिनना होता है, वाणी छंद में ही केवल गण का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब हमें वर्ण गिनना होता है तब हम गण का उपयोग करते हैं। एक चीज और याद रखना है आपको कि तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। लघु गुरु के नियत क्रम से, लघु गुरु के नियत क्रम से तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या मतलब है इसका कि लघु गुरु के नियत क्रम से तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं? अब आपको पता है कि लघु मतलब ये, गुरु मतलब ये, कितनी चीजें हो गई? दो चीजें हो गई। अब आपको ये भी पता है कि तीन वर्ण होंगे तभी
क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा। लघु गुरु, ये हो गया लघु और ये हो गया गुरु। तो जब तीन वर्णों का समूह होगा तब उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गण कहेंगे। आपने प्रायिकता पढ़ी है कि जब तीन सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? आठ होती है। कैसे? क्योंकि एक सिक्के को उछाल कर तो या तो भीड़ आएगा या तो टेल आएगा, मतलब दो आउटकम आएंगे। लेकिन जब तीन सिक्के को थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम कितना आएगा? टू की पावर थ्री, कितना हो जाएगा? एट हो जाएगा। उसी तरीके से लघु और गुरु दो चीजें हो गई और जब तीन वर्ण मिलेगा तब एक गण कहलाएगा। तो टोटल गण कितने हो गए? आठ हो गए। टोटल गण कितने हो गए? मतलब गण की टोटल संख्या कितनी होती है? आठ होती है। कैसे? हो सकता है कि तीनों गुरु हो, या तो ये भी हो सकता है कि तीनों लघु हो, तो ये भी तो हो सकता है कि इस तरह से कुछ हो, ये भी हो सकता है कि इस तरह से हो, ये भी हो सकता है कि इस तरह से हो, ये भी हो सकता है कि इस तरह से हो, या तो ये हो सकता है किस तरह से हो, या तो ये हो सकता है किस तरह से। टोटल आठ हो गए। देखिए इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन गणों का हो सकता है। अब गणों को याद कैसे रखें? तो गणों को याद करने का एक फार्मूला है, आपको याद रखना है, या माता राज भान सलगा, या माता राज भान सलगा। तो या से मतलब है यगण। अब यगण में क्या लेना है आपको? यगण में लेना है या माता। या माता से क्या मतलब है? या में लघु, मा में गुरु, अबड़ा ता में भी गुरु। मतलब जब कभी भी लघु गुरु गुरु आए क्वेश्चन में तो आपको बता देना वो यगण। उल्टा भी पूछ सकता है कि यगण का मतलब क्या है? यगण का मतलब है लघु गुरु गुरु। फिर उसके बाद मा से मतलब है मगण। आप किसको ले लीजिए? मा तारा, मा तारा। तो देखिए सब बड़े बड़े तीनों गुरु हो जाएंगे। तो अगर तीनों गुरु है तो क्या है मगण? ये चीज आपको याद रखना है। टी से नंबर पे है आपका, ता से है तगण। तो आपको लेना है एक बार तीन लेना है, ता राज, ता राज। क्या लेना है? या माता राजवंशल का। तो इस बार लेना आपको ता राज, मतलब बड़े ता में गुरु, बड़े रा में गुरु और जा में वर आ जाएगा। ठीक। फिर रा से मतलब है रगण, राजव। ये वर्णति लेना तो अब क्या बचा? रा से लेना तो राजव, राजव। तो बड़े रा में दो, जा में वन, भा में वन। फिर जा से जगण, जभान लेना, जभान। तो जभान से क्या मतलब है? लघु गुरु लघु। फिर भा से भगण, अब क्या लेना? भानस, भानस। तो गुरु लघु लघु। ना से नगण, नसल लेना। तो वन वन वन, क्योंकि देखो सिंगल सिंगल। तो अगर तीनों गुरु आए तो मगर, तीनों लघु आए तो नसल, ये याद रखना है आपको। तो सा से सगण, अब सलगा याद रखना है आपको। सलगा, सलगा का मतलब पूरा होता है सलगा, वन वन और ये। तो देखिए कितने हो गए? यगण, मगण, तगण, जगण, रगण, नगण, सगण, आठ हो गए। तो ये आठ गण होते हैं, आठ गण को याद करने का ये फार्मूला है। और आपको इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन दे देगा कि अगर गुरु गुरु लघु है तो ये कौन सा गण? आप बता दोगे ये तगण। अगर लघु लघु गुरु है तो ये कौन सा गण? आप बता दोगे वो सगण। और गण का प्रयोग केवल वर्णिक क्षण में होता है जब हमें वर्ण की गिनती करना होता है। तो छंद के आगे का पार जाने के लिए आपको अगला वीडियो देखना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।